हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राशिस रस। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कपकेक। ये मेरी एक सब्सक्राइबर थी, क्यूट सी, उसने मुझसे कहा था कि मैं कपकेक की या केक की रेसिपी लाऊं, तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कपकेक की रेसिपी। इसमें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है, तो चलिए क्या दिया है देखते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक बाउल ले लिया है, या ये मैंने हाफ कटोरी के करीब यहाँ बटर लिया है। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप देसी घी भी ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से एक ही चीज़ लें, और भी और कोई ऑयल या कोई रिफाइंड यूज़ ना करें। अब यहाँ मैंने ये हाफ कटोरी के करीब दही लिया है, ये ताज़ा दही है, कोई खट्टा दही ना लें, ताज़ा ही दही लें। अब पहले आप इसे मिला लें इसमें। अब ये मैंने एक कटोरी के करीब पिसी हुई चीनी ली है, ये नॉर्मल चीनी है, और इसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, इसका पाउडर बना लिया था। आप इसे डाल के अब पहले इसका अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बना लें तीनों चीज़ों को मिला के। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जो इसका ना जैसे चीनी या बटर जो भी लें, वो जिस बाउल से ले रहे हैं उसी बाउल से आपको मैदा सारा जो आपको पूरा जो नाप है वो एक ही कटोरी से करना है। चाहे कोई कप लें या कटोरी लें, वो सब एक ही तरह की कटोरी हो, कोई अलग अलग तरह की कटोरी ना हो। अब मैंने यहाँ मैंने डेढ़ कटोरी के करीब मैदा लिया है, छोटी चम्मच बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर है सॉरी, ये आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा है। अब इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप इसे छान लें। मैदा आपको छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर आपने मैदा नहीं छानी तो कोई आपके केक या कपकेक में लम्स आ जाएंगे, जो देखने में या खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। अब ये मैंने यहाँ आधी कटोरी के करीब कोको पाउडर लिया है, ये मैं चॉकलेट के बना रही थी इसलिए मैंने कोको पाउडर लिया है। अगर आपके पास कोको पाउडर या चॉकलेट सिरप कुछ भी नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे पास था इसलिए मैंने ये कोको पाउडर डाल लिया है, क्योंकि चॉकलेट वाले में यहाँ पर मैं चॉकलेट वाले कपकेक बना रही हूँ। अब आप देखिए बैटर को मिला लिया, अब ये काफ़ी थिक है, तो इसे पतला करने के लिए हमें थोड़ा सा दूध लिया है मैंने एक कटोरी के करीब। आप दूध का यूज़ थोड़ा थोड़ा करें, ज़्यादा ना डालें एक साथ, नहीं तो आपका बैटर जो है पतला भी हो सकता है। अब धीरे धीरे आप इसे मिलाएं, अभी मुझे थोड़ा थिक लग रहा है अपना बैटर। अब इसमें थोड़ा सा दूध मैंने और डाल दिया, अब आप इसे अच्छे से मिला लें। अब आप देख सकते हैं कि इस केक का जो बैटर है उसकी फॉर्म देखिए आप कितनी अच्छी आई है। इस तरह से आपका बैटर आप ऐसे ऊपर से नीचे गिराएं तो इस तरह से उसकी लेयर आनी चाहिए। अब आप देखिए मैंने यहाँ एक कटोरी दूध लिया था और उसमें से इतना बच गया है। तो यहाँ एक मैंने बाउल ले लिया, इसमें मैंने एक चम्मच के करीब एक कॉफ़ी पाउडर डाला है और ये दो चम्मच के करीब गर्म पानी डाला है। आप इसे अच्छे से मिला लीजिए, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप कॉफ़ी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपके पास चॉकलेट सिरप है तो आप उसका भी यूज़ इसमें कर सकते हैं, और आपके पास दोनों चीज़ नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने तो यहाँ कॉफ़ी डाल दी थी क्योंकि मेरे बच्चों को अच्छी लगती है। वापस अच्छे से मिला लीजिए। अब यहाँ मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है, क्योंकि मैं आपको कप के कढ़ाई में बता रही हूँ। अब इस कढ़ाई में नमक डाल दें, तले में थोड़ा ज़्यादा सा नमक डालें और इस तरह से उसको फैला लें, इस तरह से फैला दें। अब इसमें एक स्टैंड रख दें, अगर आपके पास कोई स्टैंड ना हो तो आप एक कटोरी भी ले सकते हैं, उसे उल्टी करके रख सकते हैं। अब इसे ढककर और फुल फ्लेम पे आपको ये कढ़ाई प्री हीट करनी है, जैसे हम माइक्रोवेव प्री हीट करने हैं तो हमें अपनी कढ़ाई भी प्री हीट करनी है 10 से 15 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मैंने इस तरह के मोड़ ले लिए, अगर आपके पास सिलिकॉन वाले हैं वो भी चल जाएंगे, अगर आपके पास कोई भी मोड़ नहीं है तो आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं और उसे ग्रीस करके अपने बैटर को डाल के उसे किसी थाली में लगा के कढ़ाई में रख के बेक कर लें। अब मैंने इस मोड़ में ये पेपर मोड़ रख दिए, इससे इसमें बैटर डालने से क्या होता है वो चिपकते नहीं है और काफ़ी अच्छे से नीचे से जो डिज़ाइन होती है कपकेक की सेम वो उसी तरह से बनते हैं। तो आप मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी, ये मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे, आप वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन ये लोकल मार्केट में भी आराम से और काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं, तो आप इन्हें मंगा के रख भी सकते हैं और कभी भी अपने बच्चों के लिए कपकेक तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ इनको थोड़ा सा टैप कर लीजिए, टैप करने से क्या होता है ये जो पेस्ट होता है वो एकदम स्मूथ हो जाता है, वरना ऐसे ऊपर नीचे ऐसा नहीं होता है। तो अब यहाँ मेरी कढ़ाई भी प्री हीट हो चुकी है, मतलब गर्म हो चुकी है काफ़ी अच्छे से। अब इसमें आप अपनी ये कपकेक की जो मोल्ड है इसे आप इस तरह से रखें, थोड़ा ध्यान से रखें क्योंकि गर्म होती है कढ़ाई, तो थोड़ा ध्यान से ही रखें साइड से अपने हाथों को बचाते हुए। अब आप इसे ढक दें और इसको किसी भी चीज़ से थोड़ा दबा दें जिससे आपकी जो गैस है वो बाहर ना निकले, इस तरह से। अब 30 से 35 मिनट में आपके कपकेक बनके तैयार हो जाते हैं, आप बीच में भी चेक कर सकते हैं, मैंने कर लिए थे लेकिन मुझे थोड़ा आइडिया है तो इसलिए मैंने इसको 32 मिनट बाद ठीक हटाया इसको ढक्कन को, तो मेरी प्लेट को, तो ये काफ़ी देखिए आप देखिए
जब आप इसी तरह से चेक करें तो उसमें बैटर नहीं आना चाहिए, तो आप समझ जाइए कि आपके कपकेक अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ इंस्टेंट मावा, तो यहाँ मैंने लिए एक कटोरी के करीब ये ताज़ी मलाई दूध की, और ये एक कटोरी दूध, ये फुल क्रीम दूध है। अब आप पहले से अच्छे से मिला लीजिए। अगर आपके पास मावा है बना हुआ तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, आप मार्केट से भी ला सकते हैं, नहीं तो आप केवल दूध से ही भी बना सकते हैं। यहाँ मैं मिल्क पाउडर से मावा बना रही हूँ, तो यहाँ मैंने एक कटोरी मिल्क पाउडर डाला है। अब पहले आप इसे मिला लीजिए, मिल्क पाउडर थोड़ा देख कर डालें। तो यहाँ ये मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें चीनी डाल दिया, चीनी डाल के मिला लीजिए। बैटर है पतला लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी के करीब थोड़ा सा मिल्क पाउडर और डाल दिया था। तो यहाँ मेरा 1.5 कटोरी के करीब ये मिल्क पाउडर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अब आप इसे फ्लेम को हाई ना रखें, मीडियम गैस पर ही आपको इस तरह से मावा बनाना है। ये 10 मिनट में आपका आराम से बन जाता है मावा, इसलिए मैंने इसमें मिल्क पाउडर का यूज़ किया। अगर हम वैसे मावा बनाते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। अभी आप देख सकते हैं मेरे कपकेक कितने अच्छे से बेक हुए हैं। अभी इस तरह से आपको ये मावा तैयार करना है, थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में, बहुत थिक नहीं करना है। अब आपको इस तरह से जैसे हम क्रीम की फ्रॉस्टिंग करते हैं अपने उस पर, उनको तो हम उससे नोज़ल से करते हैं, लेकिन ये आप चम्मच से इसको ऐसे करके फैला दीजिए। और गाइस आप यकीन नहीं करेंगे इतने खाने में टेस्टी बने थे, आप इन्हें ज़रूर अपने बच्चों के लिए एक बार ट्राई करें। अब यहाँ पर ये मैंने काजू पिस्ते लिए हैं जिसे मैंने कट कर लिया था, और इससे आप इन्हें सजा लें। हर किसी के पास क्रीम नहीं होती है तो हम इस तरह से मावा या फिर आप रबड़ी बनाकर भी इस पर ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने ये प्लेटर ले लिया है, इसमें आप इस तरह से कपकेक रख लें। वैसे तो आप उन्हें उस तरह से भी खा सकते थे, लेकिन मैं थोड़ी सी यहाँ प्लेटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो उन्हें वैसे भी सर्व कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी सी इन्हें प्लेटिंग से तरीके से लगा के डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ मैंने रोज़ सिरप का यूज़ किया, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। गाइज़ अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। और गाइज़ आप इन्हें ज़रूर एक बार ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये कैसे लगे। थैंक यू।